ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जल जन अभियान के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने जल संरक्षण के महत्व को बताते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत काल में देश जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा। भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। इसलिए आजादी के अमृत काल में आज देश, जैसा हम कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो जल को कल के रूप में देख रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। मुझे संतोष है कि जल संरक्षण के संकल्प को अब देश एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मा कुमारी के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। इससे जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी, प्रभाव भी बढ़ेगा। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े सभी वरिष्ठ मार्गदर्शकों का, इसके लाखों अनुयायियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित और संवेदनशील व्यवस्था का सृजन किया था। हमारे यहां कहा गया है, मां आपो हिंसी, अर्थात हम जल को नष्ट न करें, उसका संरक्षण करें। ये भावना हजारों वर्षों से हमारे आध्यात्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है, ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे सामाजिक चिंतन का केंद्र है। इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। जब कोई समाज प्रकृति से ऐसे भावात्मक संबंध जोड़ देता है, तो विश्व जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है, वो उसकी सहज जीवन शैली बन जाती है। गाजीपुर की शान, द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी, या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्यूट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका गाजी का।